Hello, dear Assalamualaikum. A very warm welcome to each and everyone who is present here and who are watching at my YouTube channel as well. पहली चीज जो आज हम करने लगे हैं, हम देखने लगे हैं मार्शल लॉ, जो उसमें अयूब खान साहब हमारे मेन किरदार हैं, और रीजन फॉर मार्शल लॉ इन 1958 हम देखेंगे, और उसके आगे बाद हम कनेक्ट करेंगे अयूब खान के दौर से. ठीक है, तो जल्दी करते हैं और देखते हैं हमारे पास 7 मार्क क्वेश्चन में क्या चीज है. 7 मार्क क्वेश्चन में हमारे पास आ सकता है कि क्यों लगा था ये 1958 का मार्शल लॉ, या व्हाट वर द रीजंस. तो उसमें से हमारे पास पहले चीज ये है कि रैपिड चेंज इन प्राइम मिनिस्टर्स, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे और जा रहे थे, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी थी. ठीक है ना, और इंस्टेबिलिटी लीड कर रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को. ठीक है ना, आई आई चंद्रीगढ़ साहब आए, सुहरवर्दी साहब आए, फिरोज खान नून साहब गए, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इतने हो गए थे कि अयूब फेल्ट के अब जरूरत है मुझे स्टेप अप करने की. ठीक है, तो एक तो रीजन ये था कि वो पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर चल रही थी, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो रहे थे. ठीक है, तो पहला रीजन तो हमारे पास म्यूजिकल चेयर वाला है मौजूद, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी थी. सिकंदर मिर्जा ने डिजायर की कि वो पावर में रुके, डिजायर टू स्टे इन द पावर. He found that Suhrawardi had united political leaders of Punjab and Bengal against him. He turned to military so he could be retaining the power. Suhrawardi साहब जो थे, उन्होंने political leaders को अच्छा खासा अपने साथ मिलाया हुआ था और उनकी एक अच्छी खासी यूनिटी थी पंजाब और बंगाल के political leaders के साथ. तो इस्कंदर मिर्जा जो के अपनी पावर को बचाना चाहते थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मिलिट्री की तरफ जाऊं और मिलिट्री से कहूं कि मुझे सपोर्ट करे. तो जब मिलिट्री से सपोर्ट करा होगा तो उसी वक्त अयूब खान का एक रोल शुरू हो गया, जो कि एक बहुत वाइटल रोल था. ठीक है, गुलाम मोहम्मद साहब जो थे हैड गिवन हिमसेल्फ द राइट टू डिसमिस द पावर आफ्टर द केस ऑफ डिसॉल्विंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1954 एज द सिचुएशन डिमांडेड इट. ठीक है, This paved way for Ayub's and Iskandar Mirza's martial law for the nation's interest. ठीक है, ये वो वजह थी जिसकी वजह से एक इतनी पावर मिल गई थी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करने से, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ये डिमांड कर रही थी, और इसकी वजह से अयूब खान और इस्कंदर मिर्जा के मार्शल लॉ को नेशनल फॉर द नेशन्स इंटरेस्ट कहा गया. ठीक है, तो ये वो तीन बातें थी जो आप 7 मार्क्स में बता सकते हैं कि एक तो पावर इतनी ज्यादा थी उसकी, जिसकी वजह से वो सिचुएशन डिमांड कर रही थी, तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया. ठीक है, और इसकी वजह से अयूब खान और इस्कंदर मिर्जा के मार्शल लॉ को फॉर द नेशन्स इंटरेस्ट में कहा गया. ठीक है, और अगर आप मेन प्रॉब्लम देखें तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ही थी जो सुहरवर्दी साहब अपने पॉलिटिकल और पंजाबी और बंगाली पॉलिटिकल लीडर्स को मिलाकर अपने पास एक ब्लॉक बना रहे थे, और यही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्कंदर मिर्जा ने अप्रोच किया मिलिट्री को. तो ऑल इन ऑल तुम्हारे पास जो मेन एस्पेक्ट है वो मार्शल लॉ के पॉलिटिकल जो टर्मोइल था, जो म्यूजिकल चेयर हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती है. आगे हमारे पास क्या चीज है, फैक्टर्स दैट डिलेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फ्रॉम 1947 टू 56. उसमें हमारे पास रेफ्यूजी क्राइसिस है. ठीक है, हमें पता है जब हम इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे तब हमने ये बात देखी थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे वो लैंडलॉर्ड से ज्यादातर, तो वो भी इसके अंदर कोई ज्यादा फीडबैक नहीं रखते थे. ठीक है, क्योंकि उनके अगेंस्ट जा सकती नहीं बातें. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैड नो टाइम फ्रेम, ये बात हमने उसके फेलियर में भी देखी. ठीक है, अभी तुम ये देख रहे हो कि हमने जब ये बात की थी तो हम 50s के हवाले से बात कर रहे थे, तो 50 के अंदर की बात थी वो. ठीक है, अब यहाँ से 47 टू 56 के बारे में बात हो रही है, 7-8 साल गुजरने की. उस वक्त तो सिर्फ लियाकत अली खान के एस्पेक्ट से बात हो रही थी. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट रिजेक्ट हुई, जो कि लियाकत अली खान के सामने आई थी. ठीक है, 1952 में रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई. ठीक है, तो इसका मतलब दूसरी बार रिजेक्ट हुई. फिर 1954 में क्राइसिस आ गया. फिर इन सारी चीजों में जो एक बड़ा फैक्टर है वो दो डेथ्स हैं जो पाकिस्तान के दो पॉलिटिकल लीडर, जो दो सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी, क्योंकि डेथ ऑफ जिना एंड डेथ ऑफ लियाकत अली खान, ये दो जो टॉप के हमारे लीडर्स थे,
इनके ना होने से जो गैप क्रिएट हुआ उससे पॉलिटिकल टर्मोइल भी हुआ, ठीक है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन भी डिले हुआ, उससे लीडरशिप क्राइसिस भी हुआ, ठीक है, और उससे जो जो फायदे मिलने थे उनकी प्रेजेंस से, उनकी पर्सनालिटी से, उनके एक्सपीरियंस से, वो नहीं मिल पाए क्योंकि वो जिंदा नहीं रह पाए, ठीक है। तो ये क्राइसिस बिल्डिंग में जो हमें फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स डिलेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1947 टू 56, अगर ये सवाल आया व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलेड फ्रॉम 1947 टू 56, तो आप उसमें रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, आप उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली mostly were the landlords, that they were not in the favor of some kinds of reforms that would eventually lead them to found something very ineffective for them. And objective resolution had no time frame, and we talked about this thing when we were doing the Liaquat Ali Khan topic, theek hai. Aur isme pehli report reject, dusri report reject, fir uske baad sabse bada factor ye hai ki do bade political leaders jinki death hui, jinki wajah se एक हमें लीडरशिप क्राइसिस मिल गया, ठीक है सर। रेफ्यूजी प्रॉब्लम में हम वो वाला पॉइंट डाल से ये वही वाले ना जिसके अंदर वो वीजा इंडिया ने कहा था कि बॉर्डर से आने के लिए वीजा का यूज होएगा। यस, इनिशियली दे स्टार्टेड दैट थिंग, बट हमारे पास जब हमारे पास लोग आ रहे थे तो हमारे पास लोग इतनी ज्यादा तादाद में आ गए थे कि पाकिस्तान वॉज नॉट इन अ स्टेट टू इंटरटेन देम, ठीक है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, ना हमारे पास इतने शेल्टर्स थे, ना हमारे पास इतना फूड था, ना हमारे पास अदर रिसोर्सेज इतने थे कि हम उनको मैनेज कर सके। तो ये प्रॉब्लम एक ऐसा था जो आपको बाकी प्रॉब्लम्स को की तरफ देखने से रोक रहा था, ठीक है ना, क्योंकि इसी की वजह से आपको सारी मेहनत इसमें ही करनी पड़ रही थी, क्योंकि लोग आके सेटल होंगे तो ग्रो करेंगे ना, लोग अगर सेटल ही नहीं हो पाएंगे तो आप कैसे उनको किसी तरह लाइमलाइट में लेकर आ सकते हैं या किसी तरह फ्रेमवर्क में ला सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी ट्रबल थी रेफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है, और इसमें यस एक वक्त पे वीजा की भी ट्रबल्स थी, ठीक है। अब हमारे पास अय्यूब खान एज ओवरलॉर्ड ऑफ पाकिस्तान, अब रिफॉर्म्स हैं अय्यूब खान के, ठीक है। मैं इन रिफॉर्म्स के लिए आपको दो चार चीजें बता देता हूं, उन दो चार चीजों में आप उसकी सक्सेस देखेंगे, और याद रखें कि आपने इसको किस एस्पेक्ट से देखना है, आपने 10 मार्क्स वाले सवाल के लिए देखना है, अगर आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी हो जाती है तो आप उसको 14 मार्क्स के हवाले से भी देख सकते हैं, आपने 5 फैक्टर्स देखना है, अगर तो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का सवाल अय्यूब खान के हवाले से आ रहा है, ठीक है। वैसे तो 7 मार्क्स का आता है तो 3 आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप रिफॉर्म्स ओवरऑल देखें तो इसने पॉलिटिकल में रिफॉर्म्स किए हैं, पॉलिटिक्स में, ठीक है, इकोनॉमी में किए हैं देखें, ठीक है, अंडरलाइन वाली चीजें देखें, और साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स भी किए हैं कुछ, ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी, ये 4 टॉप की चीजें हैं जिनको आपने देखना है। इन्हीं 4 फैक्टर्स में मजीद फैक्टर्स डेवलप हो रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर के अधिकार आ जाएगा, हो सकता है कोई डोमेस्टिक पॉलिसी आ जाए, ठीक है। अब पॉलिटिकल के अंदर देखें सबसे पहली चीज क्या डिस्कस हुई थी, ही इंट्रोड्यूस्ड बीडी सिस्टम, ये बीडी सिस्टम की क्या किस तरफ हवाला दे रहा है, यूनियन काउंसिल, इसने एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी। देखो 4 मार्क्स का एक सवाल आता है, जैसे 1 यूनिट स्कीम का 4 मार्क्स का सवाल हमने लास्ट टाइम किया ना, इसी तरह बीडी सिस्टम का एक 4 मार्क्स का सवाल आता है, ये बीडी सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने आप को इलेक्ट करवाने के लिए, रिमेंबर बेसिक करके कुछ था, याद करो, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, यस बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाया था इसने, यूनियन काउंसिल से सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से डिविजनल, 80,000 लोग ऐसे थे जो के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, ठीक है ना, और उनके थ्रू इसने अपने आप को इलेक्ट करवाया था, ठीक है। कहने को एक्सीलेंट सिस्टम एज कॉमन पीपल प्रॉब्लम्स वुड बी इजीली कम्युनिकेटेड, ठीक है, बेटर पोजीशन फॉर पाकिस्तान एज वोटिंग डन फॉर अय्यूब इंप्रूव्ड हिज पोजीशन एज अ लीडर, दस ही कुड रिमूव मार्शल लॉ, ठीक है, ऑल्सो इट वॉज गुड सिंस नाउ ही वॉज डेमोक्रेटिक। अच्छा, जो भी मार्शल लॉ वाला बंदा होता है, जो भी मार्शल लॉ डिक्टेटर होता है, हमेशा याद रखना
कि वो आके अपने आप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है कि मैं भी अच्छा हूं, क्योंकि हमेशा मार्शल लॉ वाला बंदा जो भी होगा उसके बारे में एक पहले से एक जहन बना हुआ होगा कि ये अच्छा आदमी नहीं है या ये बहुत सख्त है, ठीक है। तो उसको अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट करनी होगी जब भी कोई भी आएगा, ठीक है, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो, चाहे वो जियाउल हक हो, चाहे वो अयूब खान हो, वो हमेशा थोड़ी सी परसेप्शन मैनेजमेंट करेंगे जिससे ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं यार ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना, ताकि उसकी पॉजिटिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो, पॉजिटिव वाइब आए उससे। तो यहां पर ये लिख रहे हैं कि ऑल्सो गुड सिंस नाउ ही कुड से दैट ही वॉज डेमोक्रेटिक, उसने आके ये दिखाया कि मैं भी भाई बहुत जमहूरी हूं, मैं भी डेमोक्रेटिक हूं, ताकि लोग जरा ठंडे हो जाएं और मार्शल लॉ के बारे में जरा हल्का हाथ रखें, ठीक है। 1962 में जो तीन चार बड़ी चीजें हैं, अगर आप ये देखें पॉलिटिकल में दो बड़ी चीजें इनके पास है, पहली चीज बेसिक डेमोक्रेसीज इंट्रोड्यूस कराई, ठीक है, जिसमें 80,000 लोगों के नंबर थे और उसमें हाफ फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड हाफ फ्रॉम दी वेस्ट पाकिस्तान, वो लोग वोट करके इनको लेकर आ गए, ठीक है, और वो सबऑर्डिनेट्स थे बेसिकली, ठीक है, तो उन्होंने इसी को इलेक्ट करना था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इनका एक बड़ा पॉलिटिकल रेफरेंस है, ठीक है। ही रीनेम दी रीनेम पाकिस्तान एज ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आपके पास अगर कभी पासपोर्ट हो तो आप उस पासपोर्ट पे देखें यही लिखा हुआ होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फेलियर सिंस ही केम अंडर प्रेशर, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज ही एग्जीक्यूटेड दी जुडिशियल लॉ मेकिंग पावर्स, इसने आके प्राइम मिनिस्टर वाला जो फॉर्म था उसको चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म कर दिया, ठीक है। ही वॉज दी एग्जीक्यूटिव एट दैट टाइम और इन्होंने लॉ मेकर्स के साथ मिलके अपनी पावर्स जो थी वो इस तरह रखी कि वो जो प्रेसिडेंट थे वही वाली प्राइम मिनिस्टर वाली पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ गई। और इन्होंने एक चीज डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन के बारे में बात की, अनडेमोक्रेटिक एज दीज पावर्स शुड बी डिवाइडेड, सारी की सारी होल सोलली पावर जो थी वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई थी जो कि अयूब खान थे उस वक्त, ठीक है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन और एक बेसिक डेमोक्रेसीज, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके पॉलिटिकल में। सॉरी, दूसरी चीज जो हमारे पास यहां पर है, इफ प्रॉब्लम्स हैपेंड इन द फ्यूचर ही वुड बी ब्लेम्ड, और इट हैपेंड इन 1968। डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन में जितनी सारी पावर्स थी वो सारी इनके पास आ गई थी, तो अगर कुछ भी बुरा हुआ, अच्छा हुआ तो आपका, बुरा हुआ तो आपका, तो जब बुरा हुआ 1968 में तो इनको अच्छी खासी सुनने को पड़ी। इसके प्लस पॉइंट्स क्या थे? इसके प्लस पॉइंट ये थे, दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैड सर्टेन मेजर्स टू प्लेसिगेट ईस्ट बंगाल, ठीक है, एंड बंगाली एंड उर्दू वर बोथ एक्सेप्टेड एज द नेशनल लैंग्वेज, इन्होंने भी बंगाली को एज अ नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया ताकि कोई अलग से कोई चीज राइज ना हो सके बांग्लादेश वाले हवाले से, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से। देखो पॉलिटिकली उसने क्या काम किए, अब इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, मैं एक चीज और पढ़ता हूँ फिर पॉलिटिकली बताता हूँ कि इसमें क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए। कल्चरल राइट्स वर मेंटेन्ड, सेशंस इन ढाका एंड ईस्ट पाकिस्तान, स्पीकर फ्रॉम डिफरेंट पार्टी ऑफ सीट्स मेंटेन्ड। अब देखो जब कोई तुम्हारे पास पॉलिटिकल लीडर होगा, अगर वो मिलिट्री से है, ठीक है, तो वो अपने आप को बहुत रिजिड, बहुत स्ट्रांग दिखाएगा, लेकिन उसको परसेप्शन मैनेज करना होगा तो वो हल्का हल्का कहीं ना कहीं नरमी दिखाएगा और ये दिखाएगा कि देखिए जी मैं तो अच्छा खासा फ्लेक्सिबल हूं, ठीक है। वो चाहे जियाउल हक हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे अयूब खान हो, कहीं कहीं हल्की फुल्की लचक दिखाएगा। और याद रखना, अभी इनकी फॉरेन पॉलिसी में भी जाएंगे, ये पॉलिटिक्स में हल्की फुल्की लचक दिखाएंगे क्योंकि इनको अवाम से थोड़ा सा रिश्ता बनाना होता है, क्योंकि फौजी जरा दूर होते हैं अवाम से तो उनको रिश्ता बनाना होता है, ठीक है। और इनकी फॉरेन पॉलिसी तुम्हें बहुत डायनेमिक मिलेगी, अभी हम फॉरेन पॉलिसी में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। और इकोनॉमिक मेजर्स बहुत अच्छे लेते होंगे, ठीक है, क्योंकि सारी पावर्स एज अ प्रेसिडेंट पास होती हैं, तो इकोनॉमी के हवाले से भी अच्छे मेजर्स लेते हैं, अभी हमें आगे पता चल जाएंगी सारी चीज।
अब इसमें तुम्हें मेन चीजें क्या याद रखनी है, पॉलिटिकल के तीन बड़े फैक्टर्स क्या हैं यहां पर। देखो, बेसिक डेमोक्रेसीज इंट्रोड्यूस कराई, इसमें तुम अच्छी और बुरी बात दोनों बता सकते हो बेसिक डेमोक्रेसीज की, कि एक ये कैसे इंट्रोड्यूस कराई थी, 80,000 लोग थे जो कि यूनियन काउंसिल से लेके डिविजनल लेवल तक के थे, और वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे तो वो इलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, प्रेसिडेंट को ही एक सिस्टम बनाया था उसने। इसके अलावा ये एक अच्छा सिस्टम था जो कि लोगों के लिए बेटरमेंट का काम कर सकता था, ठीक है। प्लस दूसरा फैक्टर, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया इन्होंने, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने रीनेम किया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फेलियर सिंस ही केम अंडर प्रेशर, ठीक है। तो ये अंडर प्रेशर आ गए, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने लॉ मेकर्स के साथ मिलके इन्होंने चेंज किया, और प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आए, ठीक है। एक चीज जो इसमें जबरदस्त थी वो ये कि इन्होंने बंगाली और उर्दू को नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट करवा दिया, और सर्टेन मेजर्स लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स थे, ठीक है, ताकि ईस्ट पाकिस्तान से कोई चीज अराइज ना हो, कोई नया इशू ना अराइज हो। कल्चरल राइट्स भी वहां पे दिए, ठीक है, और उनको खुश करने के लिए सेशंस किए ढाका में, ईस्ट पाकिस्तान में, ताकि उनके पास से कोई नया इशू अराइज ना हो सके, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम यहां से दो तीन फैक्टर्स पॉलिटिकल लेने के बाद इकोनॉमिक में जाते हैं, तो इकोनॉमिक ही में तुम्हें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो जरा गौर से, इकोनॉमिक में पहला फैक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर और देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी कोई बात हुई भी है? जी सर। अच्छा, अब देखो, शुरू में तुम्हारे पास ये याद रखना, जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे वो किस तरह के होंगे, एग्रीकल्चर में होंगे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इज एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, एक एग्रीकल्चर होगा, याद रखना। इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा? एग्रीकल्चर आएगा, हमारे यहाँ सारी फार्मिंग वाला मामला, इंडस्ट्रीज आएंगी, ठीक है। देखो, इंडस्ट्री आ रही है नीचे, इंडस्ट्रियल में ऑयल रिफाइनरी एंड ग्रोथ रेट आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास कोई और चीज है यहां पर, ये दो चीजें हाईलाइट हो रही हैं, देखो, एग्रीकल्चर और तो ही इंडस्ट्री, ठीक है, ये दो चीजें यहां पे हाईलाइट हो रही हैं इकोनॉमिक में, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दो के अंदर उसने किया क्या। एग्रीकल्चर के लिए उसने 1958 से उसका टेन्योर शुरू होता है, 59 में लैंड रिफॉर्म्स किए और ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होगा यार? ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से पता चल रहा है। सर, मॉडर्न मेथड्स इंट्रोड्यूस करवा दिए थे, मेथड और मॉडर्न मेथड के साथ साथ एक्शन। उसने उसने दरख्त लगाने को भी कहा होगा, इनकरेज किया होगा फार्मर्स को कि ज्यादा से ज्यादा आप फार्मिंग करें, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पे ऑफ करूं, ठीक है ना, एज अ गवर्नमेंट सारी चीजें लेके बेचे। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स उसने किए 1959 में, सेट अ बार फॉर लैंड्स, ठीक है, एंड मेड लार्जर फार्म्स इनटू मोर एफिशिएंट स्मॉलर फार्म्स, ठीक है, देख लेते हैं यही लिखा है। हाँ भाई, ये लिखा है। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स में, लैंड रिफॉर्म्स रिमेन ओपन ऑन पेपर बिकॉज लैंडलॉर्ड पास ऑन लैंड टू रिलेटिव्स टेनेंट्स, ठीक है, ये एक पेपर डॉक्यूमेंटेड वाली बात है जो कि नेगेटिव में जा रही है, कि लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो रिमेन ऑन पेपर जो थे वो लैंडलॉर्ड के पास ही रहे या उनके रिलेटिव्स के नाम पे थे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इनकरेज द फार्मर्स टू यूज मॉडर्न मेथड्स, आउटपुट इंक्रीज, बेटर इनकम, बेटर इकोनॉमी, ठीक है, ये दो तुम चीजें इसमें लिख दो, तुम्हारा पॉइंट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अक्सर ये सवाल आता कैसे है, मैं तुम्हें फिर बताता हूँ ये सवाल, जरा ऊपर जाके देखो, यहाँ पे इसके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स ऑफ अयूब, अभी हम पॉलिटिकल के बाद इकोनॉमिक में आए। अक्सर वो किस तरह पूछेगा सवाल तुमसे, अगर 10 मार्क्स या 14 मार्क्स किसी में भी पूछेगा, वो ये पूछेगा क्या अयूब खान के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ही सबसे जबरदस्त रिफॉर्म्स थे, एक तरीका। दूसरा तरीका, क्या अयूब खान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही सबसे जबरदस्त थे या एग्रीकल्चर, ये एक ही तरीका है, इसमें वो बदल देगा, ठीक है। जैसे कि हम पहले देखते आए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर का डिक्लाइन जो है वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की ही वजह से हुआ, या फिर उनकी सक्सेशन प्लानिंग की वजह से हुआ, या औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से हुआ, कभी भी वो कोई भी चीज दे देगा। जिस चीज के बारे में पूछा होगा सबसे पहले उसको एड्रेस करना, उसके बाद बाकी फैक्टर्स को जाना, ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर।
दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में वो कहेगा कि हाउ सक्सेसफुल करके पूछेगा तुमसे, हाउ सक्सेसफुल वर दी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान। ठीक है, अब हाउ सक्सेसफुल में हो सकता है वो तुम्हें एक भी टर्म ना दे कि इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर या पॉलिटिकल, तो तुम किसी से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर हाउ सक्सेसफुल में भी वो ये कह सकता है कि हाउ सक्सेसफुल वर दी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान, और जब तुम्हें वो डिस्कस करने को कहेगा तो तुम अयूब खान का जो भी रिफॉर्म वहां सक्सेसफुल के नाम से पूछा गया है पहले उसको ही अटेम्प्ट करोगे और उसके सक्सेसेस ही बताओगे। ठीक है, याद रखना जिसको पूछा गया होता है पहले उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है, और जब उसको एड्रेस कर लेते हैं उसके सक्सेसेस बता देते हैं तब उसका कोई एक आधा नेगेटिव बताने के बाद दूसरे फैक्टर्स पे जाते हैं। यहां तक क्लियर है सर? अगर ये इकोनॉमिक का सर अगर 7 मार्क का सवाल आया तो पहले में तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बता दिए, हाँ, दूसरे में क्या बताएंगे सर? दूसरे में तुम इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल के बारे में बताओगे, ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बता सकते हो, पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बता सकते हो। अभी मैं आगे चलता हूँ, बताता हूँ। आखिरी पैराग्राफ में सर हम वो बता सकते हैं कि इन रिफॉर्म्स का वो क्या था, फेलियर इम्पैक्ट क्या था? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तुम्हारे पास एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, मेनी टेनेंट्स बिकेम जॉबलेस। ठीक है, दैट वॉज बिकॉज ऑफ दी नेगेटिव नेगेटिवली मेंटेन पॉइंट ऑन दी लैंड रिफॉर्म्स रिमेन्ड ऑन पेपर बिकॉज लैंडलॉर्ड पास्ड इट ऑन टू द रिलेटिव्स, और टेनेंट्स को बड़ी मुश्किल हुई इससे। ठीक है, वो जॉबलेस हो गए इस चक्कर में। मोस्टली इंजॉयड बाय द रिच, द पुअर वर अनएबल टू रीप इट्स बेनिफिट। ठीक है, अब हम इसके फायदे देखते हैं कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्या फायदा हुआ। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी लगी, ठीक है, उससे ग्रोथ रेट अच्छा हुआ। ठीक है, 22 फैमिलीज थी पाकिस्तान में जो के बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज थी, जिनकी जिनको एज एन इन्वेस्टर समझा जाता था, जो बड़ी रिच फैमिलीज थी जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया पाकिस्तान में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। ठीक है, प्लस पॉइंट ये था कि एस्टेब्लिश ऑयल रिफाइनरी इन कराची। ठीक है, पाकिस्तान कुड नाउ इंपोर्ट क्रूड ऑयल इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल। ठीक है, इसका मतलब पाकिस्तान में अगर ऑयल रिफाइनरी लग गई और ऑयल रिफाइनरी लगने के बाद जो के क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही है, रिफाइंड ऑयल नहीं, रिफाइंड ऑयल और महंगा होता होगा, क्रूड ऑयल सस्ता होता होगा, और उस सस्ते के बाद आपको अपने मुल्क में एक इंडस्ट्री लगाने का मौका मिला तो आपने जॉब्स प्रोवाइड की होंगी। ठीक है ना, तो इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ पे फायदा पड़ा होगा। प्लस आपके यहाँ ऑयल खुद रिफाइन हो रहा है, क्रूड ऑयल, तो फिर आपके यहाँ उसकी सप्लाई भी अच्छी खासी बढ़ गई होगी। ठीक है, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज लेड टू द ग्रोथ रेट ऑफ 7%, बेस्ट इन एशिया, 3 times ऑफ दैट इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि ओनली 22 फैमिलीज वर कंट्रोलिंग द मोस्ट ऑफ द वेल्थ, पुअर कुड नॉट बेनिफिटेड। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज वर फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। इसका मतलब पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा जिसमें आज हम रहते हैं, ये 22 फैमिलीज यहां से ताल्लुक रखती थी, तो इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान को भी फायदा नहीं हो रहा था, यही मतलब निकलता है। यस सर, देखो ना, वेस्ट पाकिस्तान में ये सारी फैमिलीज थी, जितना भी इनके पास कंट्रोल्ड और फायदा हो रहा था इकोनॉमी का, अगर इन 22 फैमिलियों को फायदा हो रहा था बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, सो ये तो वेस्ट पाकिस्तान में थी, तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा वेस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी हो रहा है, प्लस ये साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास निग्लेक्ट कौन हो रहा है, हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे 3 points क्या आप लिख सकते हैं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लिख सकते हैं पहला, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन को तुम अलग करके भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है, प्लस तुम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लिख सकते हो, ऑयल रिफाइनरी को डिटेल में बता सकते हो, प्लस पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज को तुम कह सकते हो कि ग्रोथ रेट हमारा पाकिस्तान का सबसे अच्छा था एट दैट टाइम, और ये एट दैट टाइम कौन सा है, 1959। ठीक है, अच्छा, अब आगे अगर देखें हम इसकी दो बात, अगर फर्ज करो पूरा का पूरा फैक्टर ही 14 या 10 मार्क का आता है तो तुम्हें
कितने फैक्टर्स देने हैं, 5 देने हैं अगर 10 मार्क है। तो तुमने यहाँ पे एक पॉलिटिकल का देखा, बेसिक डेमोक्रेसीज, एक तुमने यहां से कौन सा लिया, उर्दू और बंगाली वाला पॉइंट, ठीक है, और तुमने कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट लिया, 3 फैक्टर्स हो गए तुम्हारे यहाँ से। यहां से तुमने एग्रीकल्चर और तुमने इंडस्ट्रियल ऑयल वाला ले लिया, ये इवेंचुअली तुम्हारे इसमें 3 पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक के। एक तुम पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ले सकते हो एज ए इकोनॉमिक, और एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर में रख के कर सकते हो, ये 4 अलग पॉइंट्स हो गए तुम्हारे। 5वां पॉइंट तुम इंडस्ट्रियल ऑयल रिफाइनरी कर सकते हो कि इंडस्ट्री में इतना फायदा हुआ। तो 5 से 4, 5 तो तुम्हारे फैक्टर्स यहीं पे तुम्हारे सामने आ गए, ठीक है ना। तो अयूब खान को तुम किस तरह याद रखोगे, अब जरा हाथ पे गिने, इधर देखो हाथ पे गिनो अपने। पॉलिटिकल में क्या जाएगा, बेसिक डेमोक्रेसीज और कॉन्स्टिट्यूशन 2 हो गए, ओके सर। यस। तीसरा तुम्हारे पास कौन सा है, उर्दू और बंगाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज दिया, 3 हो गए। तीन यस सर। पाकिस्तान की यस सर। बातें, पॉलिटिक्स की बातें 3 हो गई, काफी हो गई, निकल जाओ इससे आगे फॉरन, ठीक है। चौथा तुम इसमें यह भी डाल सकते हो, चौथा तुम इसमें यह भी डाल सकते हो कि उसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म इंट्रोड्यूस करा ली थी, ठीक है, प्रेसिडेंट बन गया था वो। अच्छा, अब